नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज यूपी का एपिसोड नंबर 21 है, यानी 20 पार्ट बनाए जा चुके हैं। आज एपिसोड 21 में हम यूपी में खनिजों पर चर्चा करने वाले हैं और खनिजों का यह पार्ट दूसरा है, यानी पार्ट एक बन चुका है और दूसरा पार्ट आज लेकर के हाजिर हैं। तो अपनी नोटबुक और कलम उठाइएगा और नोट करिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, और अंत में वीडियो के हम इम्पोर्टेंट ये कमेंट पर भी चर्चा करेंगे जो आपने भेजे हैं। प्रश्न का उत्तर जो है, ये कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का उत्तर ये आपने बहुत ही प्यारे तरीके से लिख करके भेजा है विद एक्सप्लेनेशन के, क्लियर है? तो अंत तक बने रहिएगा और नोट कीजिएगा। आज की वीडियो का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 26 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यानी पहले पार्ट में हम 25 प्रश्न तक चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है ये 26, सेल खड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र, सेल खड़ी का जो माइनिंग क्षेत्र है वो कौन सा है? तो माइनिंग एरिया सोनभद्र, बांदा, मिर्जापुर या हमीरपुर एवं झांसी। तो राइट ऑप्शन पहचानिएगा, चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। 26 का डी ऑप्शन सही है, हमीरपुर और झांसी से सेल खड़ी का खनन किया जाता है, माइनिंग की जाती है, क्लियर है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 27, किसे स्टीएटाइट, ध्यान से, किसे स्टीएटाइट तथा सोप स्टोन के नाम से भी जाना जाता है? ये दो अन्य नाम हैं और उसका ओरिजिनल नाम क्या है? रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, कांच बालू या सेल खड़ी। तो 27 प्रश्न का राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, इसका राइट विकल्प है डी विकल्प, सेल खड़ी को स्टीएटाइट या सोप स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 28, उत्तर प्रदेश के कुल खनिज उत्पादन में कोयले का हिस्सा कितना है? यानी टोटल मिनरल अगर मान लें 100 होते हैं तो कोयले का कितना हिस्सा है, समझ रहे होंगे? तो कितने प्रतिशत के रूप में पूछा है, इसका आंसर आप पहचान चुके होंगे। मिलाइए, क्या आपने सी विकल्प पहचाना है? यूपी में कुल खनिज में अगर देखें तो कोयले का 47% हिस्सा है, क्लियर है? 29 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के सिंगरौली क्षेत्र, यानी किस जिले में है सिंगरौली क्षेत्र, वहाँ से प्राप्त कोयले को ओबरा थर्मल पावर प्लांट यानी विद्युत ताप गृह में प्रयोग किया जाता है, यहाँ का कोयला, यह कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? राइट ऑप्शन ध्यान से पहचानिए, 29 प्रश्न का है सी विकल्प, मिर्जापुर जिले में स्थित है सिंगरौली क्षेत्र, याद रखिएगा सिंगरौली क्षेत्र से जो कोयला निकलता है वो ओबरा ताप विद्युत गृह में भेजा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान से नोट कीजिएगा। अगला 30 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संगमरमर किस प्रकार की रॉक है, किस प्रकार की चट्टान है? चारों विकल्प पहचानिए आपकी स्क्रीन पर हैं, इसमें से कौन सही है? 30 प्रश्न का राइट ऑप्शन है, यह एक मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टान है, कायांतरित सेल है, क्लियर है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 31, संगमरमर अधिकांशतः किससे बना होता है? संगमरमर अधिकांशतः किससे बना होता है? डोलोमाइट, ग्रेनाइट, कैल्साइट या इनमें से सभी? तो 31 प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, इसका सी ऑप्शन सही है, कैल्साइट का बना होता है संगमरमर, जो मार्बल है वो किससे बनता है? कैल्साइट से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा 32, किस खनिज का निर्माण चूने तथा मिट्टी के मिश्रण से किया जाता है? किस मिनरल या खनिज का निर्माण चूने और मिट्टी के मिश्रण से किया जाता है? इमारती पत्थर, एस्बेस्टस या पायरोफिलाइट या कंक्रीट? राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे 32 का, सिंपल प्रश्न का आंसर सिंपल है डी विकल्प, चूने और मिट्टी से क्या बनेगा, कंक्रीट ही तो बनेगा, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 33, हाइड्रोलिक चूना बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक चूना बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? चार विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं, राइट ऑप्शन पहचानिए 33 का, राइट ऑप्शन है बी विकल्प, हाइड्रोलिक चूना बनाने में कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 34, इमारती पत्थर का प्रयोग होता है, इमारती पत्थर का प्रयोग होता है सड़क निर्माण, भवनों के निर्माण, ए बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे 34 का, सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों, सड़कों में और भवनों के कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण में इमारती पत्थर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 35, इमारती पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है? ध्यान से, इमारती पत्थर यूपी के किस जिले से प्राप्त होता है? राइट ऑप्शन चारों विकल्प में से एक है, आपने पहचाना होगा कौन सा सही है, क्या आपने सी ऑप्शन चुना था? मिर्जापुर सही है इसका, इमारती पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले से? मिर्जापुर से,
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 36। पाइरोफिलाइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पाइरोफिलाइट का उपयोग या प्रयोग किसके लिए किया जाता है? राइट ऑप्शन पहचानिए, चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। 36 प्रश्न का राइट ऑप्शन है पहला, यानी कीटनाशकों के प्रयोग के लिए पाइरोफिलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो 36 का पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एंडालुसाइट, ध्यान से ऑप्शन सुनिए। प्रश्न है, एंडालुसाइट में से किस अयस्क के अंश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? एंडालुसाइट एक मिनरल है, इसमें किस अयस्क के अंश सर्वाधिक होते हैं? एल्यूमिना, तांबा, क्षार या लोहा? 37 का राइट ऑप्शन है लोहा, यानी डी ऑप्शन सही है। एंडालुसाइट में किस अयस्क के अधिकांश अंश पाए जाते हैं? लोहे के। 38 आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, स्पार्क प्लग उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? स्पार्क प्लग उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन चारों विकल्पों में से कोई एक होगा, पहचानिए। 38 प्रश्न का क्या आपने पहला विकल्प चुना था? एंडोलामाइट, ये ऑप्शन नंबर सही है। स्पार्क प्लग उद्योग में एंडोलामाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 39। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से प्राप्त होता है? ऐसे वन लाइनर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यूपी में हीरा किस जिले से मिलता है? चारों विकल्प आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। 39 प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। बांदा जिले से उत्तर प्रदेश में डायमंड प्राप्त किया जाता है। कहाँ मिलता है? बांदा जिले में, जहाँ पर केन नदी बहती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 40। पाइराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है? पाइराइट्स यूपी के किस जिले से प्राप्त होता है? राइट ऑप्शन पहचानिएगा। 40 प्रश्न का पहला विकल्प सही है, मिर्जापुर में पाइराइट मिलता है। ध्यान रखिए, मिर्जापुर जिले से पाइराइट का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 41। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कौन सा खनिज पाया जाता है? गाजीपुर में कौन सा खनिज पाया जाता है? चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। 41 का पहचानिए, क्या सही है आपका? सी ऑप्शन, पोटास लवण गाजीपुर में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पोटास लवण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 42। एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति किस जिले से होती है? इनको नोट कीजिएगा, ये डायरेक्ट प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं। 42 प्रश्न का राइट ऑप्शन है सी विकल्प, मिर्जापुर जिले से एस्बेस्टस खनिज पाया जाता है या मिलता है। अगला प्रश्न 43। यूरेनियम खनिज का उपयोग किसको विकसित करने में किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किसको विकसित करने में किया जाता है? तो 43 प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचान चुके होंगे, मिलाइए कि आपने पहला विकल्प पहचाना था। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए या विकास के लिए यूरेनियम खनिज का उपयोग होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। परमाणु भट्टी में किस ईंधन का प्रयोग होता है? यूरेनियम का, याद रखिए। अगला प्रश्न 44 आपकी स्क्रीन पर है, खिलौने एवं बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला चाइना के लिए खनिज उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? चाइना के लिए खनिज यूपी के किस जिले में? राइट ऑप्शन चारों में से कोई एक सही होगा, पहचानिए। 44 प्रश्न का क्या आपने पहला विकल्प चुना था? बांदा एवं सोनभद्र जिलों में ये चाइना के लिए खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 45। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? अब ध्यान से, यानी यूपी में चार विकल्पों में से कोई एक खनिज का अभाव है, तो 45 प्रश्न का आंसर आपने पहचाना होगा। 45 प्रश्न का राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, अभ्रक। अभ्रक हमारे यूपी में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 46। उत्तर प्रदेश खनन नीति यानी यूपी माइनिंग पॉलिसी 2017 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? खनिज का संरक्षण, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, अवैध खनन एवं परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पर कंट्रोल और उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी आपके ये विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न 47 आपकी स्क्रीन पर है, सुमिलित करना है यानी मैचिंग करनी है, तो ध्यान से ये मैच कीजिएगा और कूट ऊपर दिए हैं उनको पहचानेंगे। सोनभद्र जिले में किसका जो खनिज है, कौन सा खनिज का उत्पादन होता है? तो ध्यान से, सोनभद्र में चूना पत्थर का होता है, यानी ए का दूसरा। ललितपुर से तांबा का प्रोडक्शन होता है और इलाहाबाद से सिल्का सैंड का उत्पादन होता है। तो देखिएगा, 231 यानी 231 बन रहा है इसका कूट। तो देखते हैं ये कूट कहाँ मिलता है, 47 के कूट ये रहे, और देखिएगा 231 ये रहा सी ऑप्शन में, यानी पहले का दूसरा और बी का तीसरा और सी का वन सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 48, ये भी कूट से संबंधित है, देखिएगा ध्यान से।
सही कथन का चुनाव करना है। हीरा बांदा में कुछ मात्रा में पाया जाता है, हीरा अभी हमने देखा था, लेकिन क्या कह रहा है, हीरा बांदा में कुछ मात्रा में पाया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है बांदा के अतिरिक्त हीरा सोनभद्र जिले में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपको पहचानना है क्या दोनों कथन सही हैं या कोई एक गलत है। तो 48% का राइट ऑप्शन सही है, देखिएगा सोनभद्र में नहीं पाया जाता है तो केवल एक सही है, यानी हीरा कहाँ पाया जाता है, बांदा जिले में। ये अभी आपने प्रीवियस प्रश्न किया था कुछ देर पहले, तो पहचान में आ चुका होगा कथन नंबर एक सही है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 49 कूट, इसमें भी है सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी पाई जाती है, सही कूट का चयन कीजिए, यानी चारों विकल्पों में से कौन सी धातु सोनभद्र में पाई जाती है, ये कूट के आधार पर आपको चुनना है। यूरेनियम, एंडालुसाइट, पायराइट, संगमरमर, ये विकल्प हैं। इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, 49 का बी ऑप्शन सही है, 2, 3, 4, यानी एंडालुसाइट, पायराइट्स और संगमरमर पाया जाता है, जबकि यूरेनियम सोनभद्र में नहीं पाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 50, ध्यान से चुनिएगा, ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कठिन जरूर है। अभी कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है, अभी कथन को ध्यान से पढ़ें। खनिज संसाधन संपन्नता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न श्रेणी का राज्य है, यानी खनिज संपदा बहुत कम उत्पादन होती है यूपी में अन्य राज्यों या स्टेट की कंपेरिजन। कारण दिया गया है खनिज संसाधनों की दृष्टि से निर्धन होने का प्रमुख कारण है यहाँ की भूगर्भिक संरचना, जिसमें अधिकांशतः जलोढ़ निक्षेपों कई अधिकता पाई जाती है, या अधिक किसका निक्षेप है या किसका भंडारण है, तो जलोढ़ निक्षेपों का है, ना कि यहाँ पर धातुओं या खनिजों का। इसलिए उत्तर प्रदेश निम्न श्रेणी का राज्य है खनिज संसाधनों की संपन्नता में। तो यानी अभी कथन में जो कहा है उसी को कारण ने एक्सप्लेन किया है, तो इसका सही हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। पहचान चुके होंगे तो राइट ऑप्शन ध्यान से पहचानने के बाद नोट कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की। कल हमने आपसे जो पूछा था प्रश्न कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है, उसी के आधार पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। कल हमने पूछा था भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, अनुज ओमरे जी ने उसका आंसर देखिएगा कमेंट बॉक्स में कितना अच्छा लिख भेजा है, केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भारत में मणिपुर राज्य में स्थित है बिष्णुपुर जिले में। यह नेशनल पार्क पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। यह विश्व का यानी पूरे वर्ल्ड में एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है तैरता हुआ। मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का यह एक अभिन्न हिस्सा है। अनुज ओमरे जी ने यह एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है आपने, आपका शुक्रिया अनुज ओमरे जी, ऐसे ही आप एक्सप्लेन किया करिए। आपके कमेंट बॉक्स हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। अगला कमेंट आपको शो हो रहा होगा, रीमा राजपूत जी ने कहा है नाइस क्वेश्चन सर जी, थैंक यू। थैंक्स रीमा राजपूत जी, आप ऐसे ही कमेंट में आंसर देते रहिएगा, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो में क्वेश्चंस लाते रहेंगे। रीमा राजपूत ने भी आंसर बताया है मणिपुर, लोकटक झील, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, केइबुल लामजाओ। विनीता वर्मान जी ने भी ये केइबुल लामजाओ आंसर दिया है, लोकटक झील है। और देखिएगा कमेंट बहुत प्यारे आए हुए हैं, विनीता वर्मा जी आपका धन्यवाद, नाइस क्लास, आपने वीडियो को सराहा है। अगला कमेंट देख पा रहे होंगे पूजा व्यास जी का आ चुका है, ये हमारे कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, लगातार वीडियो देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, आप सभी का शुक्रिया। पूजा व्यास जी का देखिएगा एक्सप्लेनेशन वही दिया गया है, नाइस क्लास, थैंक्स पूजा जी, आप ऐसे ही लगाव बनाए रखिए और पढ़ते रहिए, हम ऐसे ही आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे क्वेश्चंस। पूरी डिटेल एक्सप्लेन की है पूजा व्यास जी ने। अगला नाम देख पा रहे होंगे बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव ने भी आपका आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। और अगला कमेंट देखें तो आ रहा है आर्ट वाई प्रगति जी का, आर्ट वाई प्रगति जी ने भी केइबुल लामजाओ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखिएगा ये आपका जो इम्फाल है ये 28 मार्च 1977 में स्थापित किया गया था लोकटक झील में, ईस्टर्न पार्ट की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है ये, यानी ताजे पानी की लोकटक झील है ये, प्रगति जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप सभी का शुक्रिया। शिवानी गुप्ता जी का भी देख पा रहे होंगे कमेंट आ चुका है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हरिदास जी का कमेंट आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क को, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा इतने कमेंट देखने के बाद। मणिपुर राज्य में है, लोकटक झील में स्थित है, 40 वर्ग किलोमीटर में है, इसको हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न राज्य या पूर्वोत्तर राज्य, बिष्णुपुर जिले में है, लोकटक झील में है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो आप सभी ने ये कमेंट दिए हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे ही लगाव बनाए रखिए और वीडियो देखिएगा, सराहना करते जाइए, जिससे हम आपके लिए अगला वीडियो बना पाएँ।
आपके इन कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न को ध्यान से नोट कीजिएगा। आज हम आपसे आंसर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में खेतड़ी की खान से संबंधित, यानी खेतड़ी की खान या खेतड़ी माइंस कहाँ है स्थित, किस राज्य में है, किसका प्रोडक्शन होता है, तो इसको एक्सप्लेन करिएगा खेतड़ी खान को। क्लियर है? तो ये आंसर हम अपने कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करेंगे, आप हमें लिख करके भेजेंगे, ऐसी हमें आशा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।